नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के बीच फिर से आ गई हूँ और मैं आज कौन सी रेसिपी लाई हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज मैं बनाऊंगी कद्दू का हलवा। देखिए, कद्दू का सीजन है और कद्दू काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है, तो सीजन बाय सीजन अगर चीज़ें खाई जाएँ तो बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कद्दू का मतलब कद्दू से बना हुआ कोई भी चीज़ उनको पसंद नहीं होता, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे तरीके से अगर हलवा बनाएंगे तो भी उंगलियां चाट कर खाएंगे, आपसे कभी नहीं बोलेंगे। पहली बात तो ऐसा हलवा बनता है, इतना टेस्टी बनता है कि कोई बता ही नहीं सकता आपने इसे कद्दू से बनाया है या फिर लौकी से बनाया है। आप अगर थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डालेंगे तो वो तो कद्दू का या फिर लौकी का माना जाएगा, ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे तो वो तो पूरा गाजर का हलवा ही हो जाएगा, इतना टेस्टी बनता है। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक कर दिया करिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि छोटी छोटी सी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। कद्दू का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कद्दू ले रखा है और कद्दू काफ़ी ज़्यादा हरा है, देखिए इस तरीके से एकदम फ्रेश अच्छा कद्दू है। आप चाहें तो हरे वाले से नहीं पीले वाले से भी बना सकते हैं, जो कि पका हुआ कद्दू आता है, ये एकदम अच्छा फ्रेश है, हरा है, तो मैं हरे से बनाऊंगी, काफ़ी टेस्टी होता है। आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं। एक मैं लेती तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता, इसलिए आधा ही लिया है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर के हम बीज को निकाल देते हैं। मैं आपको बीज निकालने का बहुत ईजी तरीका बताती हूँ। ये वाली टेबल स्पून सभी के घर पे होती है जिसे दाल चावल वगैरह खाया जाता है, इस तरीके से आपको अंदर घुसाना है। और ये देखिए इसी तरीके से हम निकाल देते हैं, ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से निकल जाता है ऐसे। तो इसी तरीके से सारा हम निकाल देंगे क्योंकि हमें बीज वाला पार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है अंदर, सारे बीज को मैंने हटा दिया है और देखिए कद्दू कितना प्यारा लगने लगा है, एकदम क्लीन कर लिया है। तो इसके हम इस तरीके से पतले पतले से पीसेस कर लेते हैं। कद्दू को मैंने पीसेस में कट करने के बाद देखिए छील लिया है इस तरीके से। अब हम ले लेते हैं पानी को और पानी में डाल के हम कद्दू को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। सारे कद्दू को हम डालेंगे, सारे कद्दू को मैंने पानी से बाहर निकाल लिया है। तो ले लेते हैं हम एक बाउल और बाउल में हम ग्रेट करेंगे सारे कद्दू को। बारीक वाला ग्रेटर आपको लेना है ग्रेट करने के लिए, और हाथ को बचाते हुए हम सारे कद्दू को ग्रेट कर लेते हैं इस तरीके से। मैंने कद्दू को ग्रेट कर लिया है और देखिए ग्रेट करने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है ये। और हम देख लेते हैं क्या चाहिए हमें हलवा बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर ले रखा है नारियल का चूरा और ये ले रखी है मैंने हरी इलायची। इसका हम पाउडर तैयार करेंगे, आप हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मैंने पिस्ता ले रखा है एक टेबल स्पून, काजू एक टेबल स्पून, बादाम, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वही डालिए, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके पास हो, अगर है तो डालिए वरना फिर स्किप कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं बिना कटे हुए, इससे हम गार्निशिंग करेंगे, दो चार पीसेस इसमें कर दें। और हम देख लेते हैं क्या चाहिए हमें। ये मैंने ले रखा है मावा, मावा मैंने 50 ग्राम ले रखा है यानी कि 50 ग्राम, और आप मावे की जगह मिल्क पाउडर का यूज कर सकते हैं या फिर बिना मावे के भी बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया जा सकता है। ये मैंने मीठे के लिए चीनी ले रखी है, ये चीनी 250 ग्राम है यानी कि एक पाव, आप कम या ज़्यादा मीठा अपने हिसाब से। ग्रीन फूड कलर, इससे हमारा हलवा देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि मैं हरे कद्दू से बना रही हूँ हलवा तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, और इसको डालूंगी तो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये लिए मैंने देसी घी, शुद्ध देसी घी घर का, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसे रखते हम साइड में। देखिए मैंने क्या ले रखा है, और ये दूध, दूध सबसे ज़रूरी है। आप चाहें तो इसे दूध पकाते हुए एकदम थोड़ा सा कर लीजिए अगर मावा ना हो तो। मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध ले रखा है, आप पकाते पकाते एकदम कम कर लीजिए, उसके बाद यही दूध ऐड करिएगा तो ये मावे का भी काम करेगा और दूध का भी करेगा। तो इसे रखते हैं हम साइड में और हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम बनाएंगे हलवे को, आप पैन में भी बना सकते हैं। कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, अब इसमें हम ग्रेटेड कद्दू डालेंगे सारा। सारे कद्दू को डालने के बाद हम बिना तेल के इसे भूंजेंगे, यानी कि घी हमें अभी नहीं डालना है, अच्छी तरीके से हम इसे भून लेते हैं। इसमें मॉइस्चर बहुत होता है यानी कि पानी, तो वही पानी हमें चलाते हुए हाई फ्लेम में सुखा लेना है सारे पानी को। पहले कद्दू को मैंने चलाते हुए 100% पका दिया है,
और इसीलिए हम बारीक वाले ग्रेटर में ग्रेट करते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से कद्दू पकेगा नहीं तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसमें डालेंगे दूध, जो मैंने दूध ले रखा है सारा दूध हम डाल देते हैं। और दूध के साथ जब कद्दू अच्छे से पक जाएगा तो इसके लच्छे थोड़े से कम हो जाएंगे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अच्छे से हम मिला लेते हैं इसको, अच्छे से दूध को हमने मिक्स कर दिया है कद्दू के साथ। अब हम इसमें डालेंगे ये मावा जो मैंने ले रखा है, सारे मावे को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और दूध के साथ पका लेते हैं। जब तक दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है तब तक हम इलायची को कूट के पाउडर तैयार कर लेते हैं। सारे दूध को पकाते हुए मैंने देखिए ख़त्म कर दिया है दूध इसमें से, और ऐसे ही आपको भी पका लेना है। ऐसे ना मावे वाला टेस्ट कुछ ज़्यादा ही आ जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी हो जाता है हलवा। इसमें कद्दू का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे चीनी जो मैंने ले रखी है, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अच्छी तरीके से हम चीनी को मिक्स कर लेते हैं। दूध चीनी आपको सले ही डालना है, बाद में ही चीनी डालिएगा जब दूध पकते हुए ख़त्म हो जाए हलवे के साथ, उसके बाद चीनी डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है हलवे में। अच्छी तरीके से मैंने इसे पका लिया है चीनी को डालने के बाद, और चीनी डालने के बाद आपको फ्लेम कर देनी है हाई, क्योंकि चीनी मेल्ट होती है। इसलिए अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। कद्दू ग्रीन था इसलिए ग्रीन फूड कलर डालने से हलवा और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगने लगेगा। कलर को मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। अब जो मैंने इलायची को कूट के पाउडर तैयार किया है उसे भी हम डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा हो जाता है, अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखा है, बादाम डाल देते हैं और ये काजू भी साथ में डाल देते हैं, पिस्ता। और अब हम डालेंगे इसमें नारियल का चूरा जो मैंने ले रखा है। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स ना हो और नारियल का चूरा भी ना हो तो कच्चा वाला जो नारियल आता है ना, जिसे भगवान जी को चढ़ाते हैं, उसको भी आप ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हैं, जिसमें आप कद्दू को ग्रेट करते हैं, लौकी वगैरह को उसमें आप ग्रेट कर लीजिए, उसके बाद उसे डाल दीजिए तो उससे भी हलवा बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अभी हलवा हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसे हम और पकाएँगे। हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है और देखिए कितना प्यारा हलवा बनकर हमारा तैयार हुआ है, बहुत ही यमी बना है। खुशबू तो इसमें से बहुत ही प्यारी सी आ रही है। तो हम फ्लेम को करते हैं बंद और कढ़ाई को रखते हैं नीचे। मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में हम सर्व करेंगे अपने बने हुए गर्मा गर्म से हलवे को। इसमें देसी घी देखा आपने, एक भी नहीं डाला, लिया ज़रूर था बट डाला नहीं है। और आप चाहें तो एक दो चम्मच हलवा तैयार होने के बाद डाल सकते हैं। सारे हलवे को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई से और हलवा हमारा बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार हुआ है। मुझे लगा नहीं कि मैं इसमें देसी घी डालूं, इसलिए मैंने देसी घी नहीं डाला। आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं पे लगे तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। अब हम इसमें थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। अगर आप को भी खिलाएँगे तो वो आपको बता नहीं पाएंगे आपने किस चीज़ से ये हलवा तैयार किया है, बाकी आपकी तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा करेंगे वो। आप चाहें तो इसमें कोई और सा भी कलर डाल सकते हैं, विदाउट कलर के भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे तो लगेगा कि ये गाजर का हलवा आपने बनाया है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ हलवा कितना अच्छा बना है हमारा। पास से देखिए हलवा, देख के मुँह में पानी आ रहा होगा ना, कितना यमी हलवा बना है आप खुद ही देख सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे लच्छेदार हमारे हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप ट्राई करिए, सभी को खिलाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।